मेरा मानना है अगर आप ट्रैवल करो तो आप हंसी मजाक करते हुए ट्रैवल करो। गाइस मैं अपनी टीम से परेशान हूँ सच्ची। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऊंच नीच कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और वो भी ऐसी जगह पे। मेरे यहाँ दर्द हुआ गर्दन में क्योंकि वहाँ जगह नहीं थी, पूरा मैंने मेरे को यहाँ भेज दिया, खुद बेचारी वहाँ चली गई। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन जो की है होटल ओए लखनीत। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। हम सब ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, शायद एक घंटा और लगेगा हमें कटरा पहुंचने में। और मुझे समझ नहीं आ रहा सबके सब क्यों इतना सो रहे हैं, जबकि मुझे तो बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। और हमारी एक्सप्रेशन क्वीन ये रही, हमने उनका नाम चाची जी का नाम रख दिया एक्सप्रेशन क्वीन, क्योंकि बात करते टाइम तीन चार तरह के एक्सप्रेशन दे देती हैं और बड़ा मजा आता है इनको देखने में, क्योंकि इनका फेस गोल है ना। क्या बोलना चाहोगे दर्शकों को? कुछ नहीं बोलना चाहोगे, जय माता दी तो बोल दो। जय माता दी। और इसने तो बेहाल कर दिया, बस रुकवा रुकवा के। इसका तो पूछो ही मत। हमारी दीक्षा देखो, पायल दीदी, कृतिका दीदी, पता नहीं कहाँ कहाँ है। भैया यार मेरा ना फोन है उधर, थोड़ा मैं निकालना। इसका फोन कहाँ है? लक्सू का। लक्सू कैसी नींद आई? मैं सुबह सुबह तो आया हूँ यार। कितने बजे? नहीं उधर मैंने उधर मैं सुकड़ा हुआ पड़ा था। लक्सू तुम्हारा नेटवर्क आ रहा है और किसी का नहीं आ रहा? लगा रही। रुक जाओ भाई, रुक जाओ, ब्लॉग तो लेने दो। सबके सब सो रहे हैं। अरमान भैया नींद पूरी हुई नहीं हुई? अच्छा अरमान भैया ये है तो वो कौन है? भगवान कसम मुझे रेड टोपी वाले अरमान भैया लगे। नींद पूरी हुई नहीं हुई आपकी? पता नहीं यार, मेरी भी नहीं हुई। फ्रीजर बंद रहा है, पता ठंड लग रही है, बस फ्रीजर बंद रहती। लक्सू सब ठीक? मेरा मानना है अगर आप ट्रैवल करो तो आप हंसी मजाक करते हुए ट्रैवल करो। सोना धोना क्या लगा रखा है भाई? ये पहली लड़की जो सबसे पहले सो गई, उसके बाद सबसे पहले उठी भी नहीं है। उठ गई थी यार मैं। उठी क्या? हम लोग ना सब बीच बीच में उठ के चाय पी, मतलब सब लोगों ने है? हाँ, मतलब कौन कौन उठा था? तुम लोगों ने चाय पी? दीक्षा ना ना, तुम सबसे जल्दी सोई हो और आराम से उठी हो। सही में मैंने नींद पूरी करी है क्योंकि मुझे कोई होश नहीं था कहाँ पर गाड़ी रुक रही है, क्या खाना है, क्या पीना। मैं रात से कुछ नहीं खाया। हमारी चाचा जी घर से पराठी बना के लाई और मैं सुबह चाय के साथ खाना पसंद करूँगी अगर चाची ने दिए तो, वरना पता नहीं चाची का। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं भी उठ गया हूँ। यहाँ के सुबह के बज रहे हैं 10 और मैं सोया किस टाइम था? पूनम बहन ने मेरे को रात सुनाया था, है ना? कितने बजे गया पूनम बहन? मैं यहाँ टाइम नहीं पता, मैं वही 5 बजे के आसपास आया हूँ यहाँ। और अरे नहीं यार, अरे मैं एक घंटा तो लेट आ रहा हूँ। मेरे यहाँ दर्द हुआ गर्दन में क्योंकि वहाँ जगह नहीं थी, पूनम मैंने मेरे को यहाँ भेज दिया, खुद बेचारी वहाँ चली गई। बहुत अच्छी है यार ये पूनम ना, इसके लिए मैं कुछ करूंगा इंतजाम। ओह माय गॉड, पीटने का इसको? मुझे वहाँ से उठा के यहाँ भेज दिया लखन ने। लखन को मेरे बिना नींद आ रही थी ना, मेरे तो भाई को ठंड लग रही थी, मेरे का भाई तू जा। अच्छा ये बहाने ढूंढ रहा, कभी यहाँ जाएगा। सुनो क्या हुआ यार, सब लोग सो रहे थे, मैंने कहा कंबल किसका छीनू, सबके पास था। अच्छा इसका मुझे कंबल लग रहा था ये देख के, जैकेट कंबल लग रहा। मैंने कहा दे रही है नहीं दे रही? यहाँ से मैंने उठा दिया, देखा तो जैकेट है, मैंने कहा तो बेचारी खुद मेरी तरह। भाई मैं पूरी रात बिना कंबल के यहाँ सोया। ब्लैंकेट लेकर ही नहीं आए? नहीं, सो रही थी। सबसे मस्त था रोहित, कैसे कंबल ओढ़ के जैसे ऐसे हो रहा बिल्कुल कंबल लाए वो। हाँ और सुन, और तिरछा लेटा हुआ, तिरछा दो सीट पे हो भी गया इतना सा। भाई उसकी बेचारी, तुझे क्या दिक्कत है भाई, तुझे कंबल ओढ़ के है ही। हाथ वाले ठाकुर रही हैं। हाँ चाय, और देखो मुझे कितने प्यारे प्यारे पिल्ले दिखे। तो गाइस अब यहाँ से निकलने का टाइम आ गया। आपको पता है मैं अब कितना कंट्रोल करता हूँ, अब मैं चाय पीनी बंद कर दी है। इन सब लोगों ने कुछ ना कुछ खाया भी है सिवाय मेरे, लेकिन मेरे को बहुत कन्विंस किया, बट ड्यू टू हेल्थ रीजंस मैंने कुछ नहीं खाया, मैं सिर्फ फ्रूट्स खाऊंगा। बहुत हेल्दी डाइट पे आ गया हूँ मैं, मजा आया भाई। लेकिन ये आदमी भाई बिजी था, चाय सबसे ज्यादा यही पीता, ये मीटिंग में बिजी था, इसलिए जय माता दी कर दो भाई सारे। अब यहाँ पर मूंगफली खुल गई है, गज्जक बहुत टेस्टी वाली भी है ना भाई। जब दांत टूटने खतरा है। क्यों टाइट लग रही है? बहुत टाइट है। अच्छा मैंने दूसरी वाली खाई, पहले जो आपने मेरे को दी थी वही दो ना।
भाई मैं काट दूंगा कोई बात नहीं। नहीं बकवास कर रहा है, बिना कोलगेट करे बात भी नहीं करता। खाना तो बहुत दूर की चाय पी लेते हैं, पर होटल पहुंचकर के बिना कोलगेट के चाय पी लेते हैं, बात नहीं करते भाई। बहुत बहुत मजा आ रहा है सच में, दोस्तों के साथ ट्रिप इसीलिए अच्छी होती है। उठ के जाना पड़ेगा, जाओ फिर निकलो यहाँ से। वैसे भी मैं आपको बकाना चाहती थी, बोलो आजा वैसे बहुत मजा आया ट्रिप में यार। तो अब दोबारा से यहाँ पर चेकिंग होगी, चलिए। फॉर सिक्योरिटी रीजंस बहुत सारी चेकिंग यहाँ पर होती है, बट इट्स गुड हमारी खुद की सिक्योरिटी के लिए। लेडीज को बोला कि बैठ जाओ, जेंट्स को जाके चेक इन करानी है। देखा लेडीज होने का फायदा तो है गाइस, है नहीं तू? उनको पता है लेडीज बेचारी सीधी सारी बेचारी क्या ही कर लेगी, क्या ही कर। तो गाइस हमारा सिक्योरिटी चेक तक खत्म हो गया है, कुछ ज्यादा कुछ था नहीं, उसके मशीन के अंदर चल के जाना था बस। और तुषार वाले पे बहुत ऐसे आवाज करने लगे, क्या था तेरे पास ऐसा वॉच वगैरह जो पहन गए तुझे? सो हम लोग रुके हैं हॉलीडे इन में एंड चेक इन करवानी है, अब चले अंदर। ओके सो सब अब आ रहे हैं बाहर से अंदर और मैं बैठ गई हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा सा मैंने पराठा खा लिया था, एक मेरा वॉमिट जैसा हो गया, चीप सा ही हो गया। मतलब मेरे साथ यही दिक्कत है कि मैं बस में अगर ट्रैवल कर रही हूँ तो मैं कुछ खा नहीं सकती, वरना मुझे हो जाता है, अदरवाइज मुझे कुछ नहीं होता। ठीक है तू? मैं तो बिल्कुल भी बढ़िया हूँ। दिव्या दीदी की तबीयत खराब हो रही है, सब एक एक करके अब अंदर एंट्री ले रहे हैं दबंगों वाली। कोई भी आईडी? मेरा आधार कार्ड तो भैया है नहीं, कुछ तो होगा। मैं तो नेपाल से हूँ। चाची कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मेरे साथ ही। चाची कहीं मेरे साथ वीडियो मत बना है, यही बोल रहे हो? बोलो यार। हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन जो कि है होटल हॉलीडे इन, और अपना रूम ले लिया। बस यहाँ पर हम जाएंगे चेक इन करेंगे और उसके बाद तैयार होके फिर निकलेंगे चढ़ाई के लिए, दर्शन आज ही करने अपने। अबे इंग्लिश न्यूज़पेपर है भाई। हाँ तो भाई मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ ना हिंदी में। चलो चलो भाई, सर्दियों के दौरान जम्मू कश्मीर को मिलेगी पर्याप्त बिजली, मतलब लाइट हुए चालू, बच्चों को पढ़ाए और पढ़ा लिखा कर बच्चों को। मुन्नी मिन्नी मानी मुन्नी, ये नहीं है ये, उन्ना उल्टी बटर सीधी करो उसको, ये सीधी करो उसको, टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक खबर फैलाई है कि जो जो कश्मीर आए हैं जैसे कि लखनी ब्लॉग्स वाले भाई सब्सक्राइब कर दो, मेरे से खुद आया लाइक। केंद्रीय मंत्री जी ने बोला है सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। देखो खेलो इंडिया ने बोला है खेलो पर सब्सक्राइब जरूर करो, सही बात है भाई। तो सर भाई तुम्हें पढ़ना नहीं आता, छोड़ो तुम क्या करोगे, पढ़ोगे? बता नहीं ये क्या लिख रहा है, ये क्या लिख रहा है यहाँ जो मैंने उंगली रख रखी है, बताओ। तो सर भाई बता नहीं ये क्या लिख रहा है, ये वाला सब्सक्राइब करो। देखो मोदी जी ने बताया, देखो रोहित भाई ये बताओ ये क्या लिख रहा है, लाइक शेयर। अरे भाई अंधे, जय माता की दी के नारे के, सॉरी जय माता दी के उसके साथ। अच्छा कोविड को, देखो कोविड की वैक्सीन बन गई भाई, चलो सही है। भाइयों अगर आप ये चैनल देख रहे हो तो लाइक करें, कमेंट करें। गाइस एक बात बताओ, इसकी आवाज में बेस है ना? देखो ऐसे हो ना, धूम धूम। नहीं नहीं अगर गाना भी गाना हो तो बेस ना ले, हम देंगे ये देंगे। सो गाइस हमने चेक इन कर लिया अपने होटल में जो कि हॉलीडे इन है। यहाँ पर आते ही आकाश भैया सिम लेकर आया, 5G सिम, और 5G सिम की खासियत है कि अनलिमिटेड नेट इसमें मिलेगा अपने को। आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओ शिट लाइट गई, नहीं तो तू कार्ड निकाल के आई क्या रूम का? नहीं तो फिर लाइट कैसे चली गई यार? आ गए कार्ड नहीं निकाला था। तो 5G सिम की वजह से आई होप कि आपको व्लॉग टाइम पे मिल पाए और बाकी चीज़ें भी हम अपडेट कर पाए। गुड खुल गया, ये बालों की पिन से खोला है, सेफ्टी पिन से खोला है क्योंकि हम फोन वाली वो नहीं लाए थे पिन सिम डालने के लिए। ये वाला डाल दिया, उसको संभाल के रख उस वाले को। हाँ उम्मीद करते हैं कि अब सब चीज़ें स्मूथली चलती रहें ऐसे। ये मेरे को रास्ते में मिल गया था तो मैं ले आया 4-5, क्योंकि दूध पीना वे बेटर है, कोल्ड ड्रिंक पीने से तो बहुत अच्छा है दूध पीना, अगर चॉइस है तो फिर यही पीऊंगा मैं। सो गाइस हम लोग उठ गए और अब उठने के बाद सैंडी भाई और पूरे दोनों आ चुके हैं, हाय कर दे भाई, ये दोनों आ चुके हैं। और हम लोग सोच रहे कुछ जाके मैं खा के आ जाता हूँ क्योंकि सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, बस मैं वो पायल दीदी के जो पराठे थे वही खाए थे थोड़े बहुत। तू रेस्ट करेगी ना? अगर तुम दोनों खाना खाने जा रहे हो ना, मैं यहाँ पर सैंडी रुक जाएगा, मुझे डर लगेगा। तेरा भी अलग चक्कर है, बिल्कुल ठीक है मैं खा के आ रहा हूँ, तेरे लिए कुछ लाऊं? मैं हम लोग खा कर आ गए हैं, खा गए, खाना अच्छा नहीं था बहुत ज्यादा। खाना अच्छा, कोई बात नहीं यार, भूख में सब अच्छा लगेगा हमें, खाना तो फिर यहीं भी ऑर्डर कर लो ना रूम में। थोड़ा एक बार चल के देखाते हैं। गाइस लुक एट दिस, हमारे होटल से व्यू है बाहर का, कितनी सुंदर लग रही है यार देखने में। तो भाई अभी मैं और पुनीत दोनों जा रहे हैं कुछ खाने, फोन मैंने ले लिया है, कैमरा से लेने लिया, कैमरा लेके ना अगर हम ये ऐसी जगह थोड़ी हाई सिक्योरिटी जगह तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं लेके जाऊँ, लोगों की नज़र पड़े वहाँ पे कि कहीं कोई कैमरे से कोई ब्लॉगर है या कुछ भी ऐसा, फ़ोन से ही बनाएंगे। ठीक है पुनीत? ठीक है भाई।
रेडी रेडी। पुलिस की चीज़ अच्छी है, मेरे को कंपनी देता है हर जगह। हमें जाना है ग्राउंड फ्लोर पे। क्या अभी आते टाइम हमें प्रॉब्लम होगी? क्यों? मैं उनको बोल दूंगा ना। पता है वो भैया हाँ। दूसरी की दे नहीं रहे, कह रहे उसके चार्ज अलग लगे। हाँ नहीं, मुझे उन्होंने बताया कि ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस यहाँ पे ऐसा कि वो दूसरी की नहीं दे सकते। हाई सिक्योरिटी अलर्ट एरिया है तो एक ही की एक रूम पे मिलती है ताकि इनको पता रहे रूम के अंदर कौन है। दूसरी चीज ये बोलते हैं कि आपको कहीं भी जाना है, मतलब स्टाफ सफिशियंट है, आप मुझे बोलो, हम स्टाफ आपको आपके रूम तक छोड़ के आएगा। तो ठीक है यार, मतलब कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत ऊंच नीच कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ना, और वो भी ऐसी जगह पे हमारी सिक्योरिटी के लिए। गाइस मैं अपनी टीम से परेशान हूँ सच्ची। मैं अभी इनको पूछ रहा था निकलने से पहले कि मैं कुछ बाहर खाने जाऊंगा तो ये बताओ बाहर ठंड तो नहीं है, और ये सब मना कर रहे थे। खुद जैकेट पहन के आया है, मेरे को ऐसे ले गया। तेरे को शर्म आनी चाहिए यार, तीन तीन लेयर पहन के आया है, तीन तीन लेयर। और मुझे अब निकल के ऐसा लग रहा है कान मेरे ना जम जाएंगे थोड़ी बहुत देर में। अरे तो सुनसान से जगह यहाँ लग नहीं, ये तो रेलवे स्टेशन के पास है बिल्कुल। यार देखो पीछे आप देख पा रहे हो, रेलवे स्टेशन है यहाँ का, और बिल्कुल उसके बराबर में होटल है। मुझे लगता है यहाँ कुछ खाने पीने का मिलेगा। इधर है, कहाँ? इधर की साइड है, पकौड़े जैसे मिल रहे हैं वहाँ पे कुछ। वो रेस्टोरेंट वगैरह भी है। गाइस सनसेट देखो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ से। अगर ट्रेन से आते ना तो कम से कम यहाँ पे ना 12-13 वो है टनल, उसके अंदर से आते ट्रेन। ओ वाह यार, ऊपर वही है, वही है जी हाँ जिसके लिए हम आए हैं। वो अर्धकुंवारी है, अर्धकुंवारी से ऊपर जाके भवन आता है। अर्धकुंवारी आधे रास्ते में होता है ना शायद। हाँ तो आधे रास्ते में, इस वजह से अर्धकुंवारी उनको कहते हैं। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मेरे को बता देना, मेरा एक अजम्पशन था, ये नाम की वजह से गलत भी हो सकता हूँ मैं यहाँ पे। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना आप लोग। इतनी शान जगह है यार, वाह। हाँ फ़ोन के ना फिर भी नेटवर्क नहीं आ रहा है। हमारे आ तो रहे हैं, मेरे एयरटेल के तो पूरे आ रहे हैं। पोस्ट पेड के आ रहे हैं, प्रीपेड के नहीं आ रहे। तो पोस्ट पेड ही चलता है यहाँ पे, अगेन ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन, बट इट्स गुड। तो गाइज ये लोग पता नहीं क्यों ऐसा बोल रहे थे, लेकिन देखो यार कितने सारे रेस्टोरेंट हैं, आप जूम करके देख सकते हो। बोलिए देख, मैं जूम करके दिखा दे इसकी बड़ी लिस्ट है। तो काफ़ी सारे हैं यहाँ पे, ये रेस्टोरेंट देखिए सब भाई। कोई बात नहीं, अपने वीडियो में बोल रहे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है अपने पास जो कि होटल में लगे हो, तो हम वहीं पर जा रहे हैं। आइए। बताया था मसाला डोसा 80% अच्छा था, लेकिन 20% बहुत ज़्यादा ऑयली था। बाकी देखो ये इतना पूरा फूड कोर्ट यहाँ बना हुआ है, बिल्कुल खाली है, अकेले हम लोग हैं। नीतू यहाँ अभी भी सो रही है, इसकी नींद पूरी नहीं हुई है, बट ठीक है, ये सोती है मेरे को अच्छा लगता है कि वरना तो इसको बोलना पड़ता है कि नहीं तू रेस्ट कर, रेस्ट कर, रेस्ट कर, रेस्ट कर, रेस्ट ही नहीं करती। और ये तब जब तक यहाँ पे है तभी तक सो रही, रूम के बाहर जाती तो जब देखेगी ना इतने सारे लोग हैं फिर ये भाई अपनी उसी एनर्जी में आ जाएगी और दोबारा से मस्ती करने लगेगी। ये हमारा सारा सेटअप आप देख सकते हो, ये जो व्लॉग्स आप देख रहे हो उसके पीछे की मेहनत ये है। ये वाली नहीं है, ये वाली भी नहीं है, ये है। सो गाइज यहाँ पर कुछ कपड़े हैं और ये जैसे कि एकदम नई है, और ऐसा बोला जाता है कि कभी भी दर्शन करने जा रहे हो तो एकदम नए कपड़े पहन के जाना जो आपने पहने ना हो। और वाइट कलर क्योंकि ब्लैक मना करते हैं, इसीलिए मैं वाइट लेकर आया हूँ कि वाइट पहन के जाऊँगा। अब बस तैयार हो जाता हूँ, नीतू भी उठ चुकी है, फ़ोन चला रही है उठ के। नीतू घूमने भी चलना है थोड़ा सा? चलो चलो। हाँ ठीक है, उठ तो जा, मैं नहा के आता हूँ। तो ये आकाश भाई आए और ये बहुत ही वियर्ड बात बोल रहे हैं कि नहाऊँ ना मैं, मतलब ऐसा कोई नहीं बोलता मेरे को। पहली बार मेरे दिल की बात किसी ने बोले, क्यों नहीं नहाने दे रहे मेरे को भाई? जाते टाइम नहा लेना, फिर नहाना पड़ेगा दोबारा। इन्होंने बताया कि यहाँ जब आप यात्रा करने आते हो तो वो पर्ची कटवाने के लिए जाना पड़ेगा, और सबको जाना पड़ेगा स्पेशली। ऐसा नहीं कि कोई नहीं जाएगा तो भी पर्ची आ जाएगी, अपनी आईडी लेके जाना पड़ेगा, वो रजिस्ट्रेशन वाले जो पर्ची उसको लेने। तो इनका कहना है भैया का कि अभी मैं ऐसे ही चलूँ वहाँ से आके नहाऊँ। ऐसा क्यों? लेकिन मगंदे उंदे तो नहीं हो जाएंगे? अभी अगर तुम बाहर निकलोगे मार्केट भी जाओगे स्वेटिंग होगी, फिर नहाना पड़ेगा जाने से पहले। तो दो बार क्यों नहाना? ठंड में कितना स्वेटिंग हो रही है भाई, क्यों नहीं होगी? जो वुलन पहनोगे होगी। ओके तो फिर ठीक है भाई, जैसा आके नहा लेना, लेंगे कुछ भी होगा ना ठीक है। तो अब आके नहाना पड़ेगा, रात के 10 बजे तुम मुझे नहलवाओगे देख लो, अगर मेरे कुछ भी हुआ ना। मैं रात के 11 बजे भी नहाऊंगा और सुबह के 5 बजे भी नहाऊंगा। भाई तुम में और मेरे में फर्क है। क्या फर्क है? कुछ सालों का बस। तुम्हें नहाना पसंद है बस, कुछ सालों का। हर किसी को नहाना पसंद नहीं होता। पर ठीक है चलो, मैं फिर अब ऐसे ही चल रहा हूँ। चलिए तो फिर तो चलना ही पड़ेगा अभी ऐसे। वो सो रहे होंगे ना, सभी सो रहे होंगे। अरमान को भी बोल दो, मैं अरुण भाई को बोल देता हूँ। टाइम हो गया है 8:30, 10 बजे ऑफिस बंद हो जाता है रजिस्ट्रेशन। ठीक है ठीक है, मैं बोल देता हूँ सबको कॉल करके। चलो गाइस मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, जैसे मम्मी के पास आपको हक करके नींद आती है ना, वैसे ही मुझे आज नींद आई है। सबसे अच्छी नींद मुझे मम्मी के पास आती है, मगर आज मुझे ऐसा लगा सच में माता रानी ने ऐसे ना हक करके सुलाया हो, बहुत ही सुंदर नींद आई है, बहुत ही मीठी नींद। अभी तू 4 घंटे सो गई, उसको जस्टिफाई मतलब मेरी ना कॉल्स पर बात भी होती थी, सोनी दीदी से हुई मेरी, दीक्षा से, मुझे याद ही नहीं मेरी क्या बात हुई है, बस मैंने बातें की है और फोन कर दिया।
सो दीदी ब्राउनी के लिए एक छोटा सा बेड लेकर आई है जिसमें वो खेल रहा है। उसी के अंदर सो भी रहा, उसने वीडियो कॉल पे दिखाया, आपको हम घर जाके दिखाएंगे। अच्छा मुझे, तू जब रिलैक्स हो जाती है मेरे को अच्छा लगता है। मैं रिलैक्स हूं।